हरियाणा योग कमीशन ने वर्ल्ड एनसीडी फेडरेशन और पीजीआई चंडीगढ़ के साथ मिलकर एक वॉकथॉन और योग कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसे 17 सेक्टर के प्लाजा में करवाया गया। तो वहीं इस कार्यक्रम में यशपाल गर्ग विशेष मेहमान के तौर पर शामिल हुए। इसके साथ ही कार्यक्रम में मेडिकल के छात्र, खोजकर्ताओं और डॉक्टरों के साथ बांग्लादेश और नेपाल के डेलीगेट्स ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया और उत्साह के साथ योग अभ्यास किया, तो वहीं वॉकथॉन में भी हिस्सा लिया। हरियाणा योग कमीशन के चेयरपर्सन जयदीप आर्य ने योग सेशन करवाया और प्राणायाम, योग और आसन और ध्यान के बारे में भी लोगों को जागरूक किया। दो बार आगे की ओर, सेंटर में पीछे की ओर, दोनों हाथ यहां साइड में, गर्दन दो बार आगे की ओर, सेंटर में पीछे की ओर, एक्सट्रीम राइट सेंटर, एक्सट्रीम लेफ्ट सेंटर, एक्सट्रीम राइट पूरा राइट, पूरा स्ट्रेच कर दीजिए, सेंटर एक्सट्रीम लेफ्ट। लगता है कि ऐसे सर्वाइकल कैसे ठीक होता होगा, तो दोनों हाथ जरा ऐसे सामने की ओर करिए और मुट्ठी यहाँ लेकर आइए। अब धीरे से इसको लेके जाइए सामने की ओर, श्वास भरते हुए धीरे 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 धीरे। हरियाणा योग आयोग के माध्यम से जो आज हमारी ये इंटरनेशनल सीएमई का और इतने डेलीगेट्स इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश फाउंडेशन से जो आए हैं, इससे बढ़िया और कोई शुभारंभ नहीं हो सकता। और आज की जो सीएमई है, पहली बार मेरे ख्याल में जो इंडिया की हिस्ट्री में हम रिवर्सल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, और उसका जो शुरुआत है वो ऐसे मंच से और आपकी पार्टिसिपेशन से इससे कोई अच्छा मौका नहीं हो सकता। और आज आप जो हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी सुनेंगे कि रिवर्सल के ऊपर क्या एविडेंस है और उसमें जो योग का योगदान है वो बहुत हो सकता है। हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत के ऊपर गर्व होना चाहिए, हमें इसको आगे ले जाना है। और जैसा कि आर्य जी ने कहा है, हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियों के से जो है रोग मुक्त हो सकते हैं। मुझे सौभाग्य मिला था जयदीप आर्य जी से मिलने का, और बहुत जल्दी ही अभी 20 दिन के बाद हम दोबारा मिल रहे हैं। वहाँ पर इन्होंने सूर्य नमस्कार का एक सामूहिक प्रोग्राम करवाया था पीजी गर्ल्स कॉलेज और जो योगा कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में, और मैं आज का ये प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, इसके बारे में तो कुछ मतलब कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं डेली योगा करता हूँ और पिछले करीब मेरी एज 55 ईयर्स है, मैं पिछले 45 साल से करीब मैं योगा कर रहा हूँ। कभी योगा नहीं कर पाता तो मॉर्निंग वॉक डेली करता हूँ, सुखना लेक पे डेली मेरा 6 किलोमीटर का वॉक होता है। आज मेरे को लग रहा था कि हम पीजीआई से यहाँ तक आए तो करीब 3-3.5 किलोमीटर किया होगा, लेकिन यहाँ पे योगा करके वो दोनों का कॉम्प्लीमेंट होके मेरा पूरा हो गया, पूरा हो गया। हरियाणा लोक आयोग के तत्वावधान में बहुत अच्छा ये प्रोग्राम आयोजित किया गया, मेरे को बहुत अच्छा। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज रिवर्सेबल है, हार्ट डिजीज रिवर्सेबल है, डायबिटीज़ रिवर्सेबल है, इसके ऊपर विचार मंथन किया जाए, आज इसकी कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है और उसके उद्घाटन सत्र को हमने योग सेशन से आरंभ किया है। और इसका दायित्व तो हरियाणा योग आयोग को दिया गया, हरियाणा योग आयोग के प्रयास से, पीजीआई चंडीगढ़ के प्रयास से ये एक सुंदर योग सेशन हुआ। गर्मियों के आगमन के साथ ही एक बार फिर से वैवाहिक सीजन की शुरुआत हो चुकी है।
विवाह समारोह, पारिवारिक आयोजन, विविध कार्यक्रमों और गर्मियों को देखते हुए कॉटन फैब की प्रदर्शनी चंडीगढ़ के किसान भवन में लगाई गई है। तो वहीं इस प्रदर्शनी में देश भर के कोने कोने से विविध स्थानों की लोकप्रिय वैरायटी के ड्रेस मटेरियल भी पेश किए गए हैं और तरह तरह के डिजाइन, पैटर्न और कलर कॉम्बिनेशन के कपड़े लोगों के लिए उपलब्ध करवाए गए हैं। इस प्रदर्शनी की खास बात यह है कि इस प्रदर्शनी में हैंडमेड कपड़े भी लोगों के लिए उपलब्ध करवाए गए हैं। तो वहीं कहा जा सकता है कि ये प्रदर्शनी आत्मनिर्भर भारत पर भी आधारित है। कॉटन फैब, जैसा कि आप जानते हैं, कई सालों से हम कॉटन फैब लगा रहे हैं और चंडीगढ़ वासियों का हमें बहुत प्रेम प्यार मिलता है। कॉटन फैब को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, हमें काफ़ी सालों से लगा रहे हैं और लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। चंडीगढ़ के निवासी इसे बहुत पसंद करते हैं। हम यहाँ पर ढेरों वेराइटियाँ लाते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया से हम यहाँ व्यूवर्स को यहाँ एक प्लेटफॉर्म देते हैं कॉटन फैब में, जिसमें वो अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं राइट फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी। वी हैव ऑल द टाइप ऑफ ट्रेडिशनल आइटम्स सेगमेंट्स और सब तरह के प्रोडक्ट्स हैं, उचमपल्ली से लेकर ब्लॉक प्रिंट जो जयपुर का होता है वहाँ से लेकर उड़ीसा की इक्कत से लेकर और गुजरात का ब्लॉक प्रिंट और गुजरात का बांधनी, हर चीज़ का प्रोडक्ट जो है, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स जो हैं, हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं इन आर्टिजन्स को। तो ये लोग यहाँ पर अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं डायरेक्टली टू कस्टमर और एनिमिनेटिंग द मिडल मैन। तो एक तो कस्टमर को एक लेटेस्ट वैरायटीज़ मिलती हैं, उसका भी एक बेनिफिट मिलता है। दूसरा बेनिफिट ये होता है आर्टिजन्स को भी ये पता लगता है कि कस्टमर की क्या चॉइस है, वो क्या मांग रहा है, हम इसको क्या प्रिक्योर करें, क्या बनाएं। तो एक इंटरेक्शन होता है कस्टमर और आर्टिजन्स के बीच में। और हमारे ये जो आर्टिजन्स हैं, वीवर्स हैं, इनको गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ मिलती हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कई ऐसी स्कीम्स हैं, SHGs बनाई जाती हैं, NGOs को प्रमोट किया जाता है, उसके थ्रू आर्टिजन्स को भी प्रमोट किया जाता है, इनके क्राफ्ट को प्रमोट किया जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स होती हैं जो कि जिनमें इनके SHG ग्रुप्स बनाए जाते हैं, इनको हेल्प करते हैं, इनको बल्कि फाइनेंस भी किया जाता है हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट से, सो दैट दे कैन प्रोड्यूस देयर प्रोडक्ट। उनको फाइनेंस भी किया जाता है, इनको इवन ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, सो दैट इस तरह की कई स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं जिससे ये अपना लाभ भी उठाते हैं और इसको अच्छा इम्प्रूव भी करते हैं। मेरा नाम जिला संतोष कुमार, हम हैदराबाद से पोचमपल्ली से आया, हम खुद बनाने वाला है। हमको गवर्नमेंट से 50% सब्सिडी मिलता है सर, टाई एंड डाई हैंडलूम में होता है सर, इक्कत पूरा ये पूरा हैंडलूम का है, बुनाई का काम होता है। इसमें आपको सूट मिल जाएगा 1500 से लेकर 3000 तक है। सर मैं कलकत्ता से आए, वेस्ट बंगाल से। हमारा नाम राम किशन धारा, हम लोग कांथा का हैंडमेड काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट सर है हमारे, कांथा का काम होता है, सूट साड़ी दुपट्टा बेडशीट और दुपट्टा वगैरह स्टॉल वगैरह होती है प्योर सिल्क के ऊपर और कॉटन के ऊपर फैब्रिक। जो चेंज होगा सरकार का, हम लोगों को जो प्रोडक्ट जो हम बनाने देता, अगर लेडीज़ भी बनाने बताते, ज़्यादातर लेडीज़ बनाते सर, तो इसमें हम लोगों को सरकार में 50% कभी 30% के हिसाब से जो बनाते उसमें अप टू डिस्काउंट कर देते, उसमें कभी लोन वगैरह सेंक्शन हो जाते, जितना लोन लेना होता लोन मिल जाता सर, ये हमारा प्रोडक्ट है। Thank you.
चैम्बर ऑफ चंडीगढ़ इंडस्ट्रीज के 24वें सालाना विशाल रक्तदान शिविर में उद्योगपतियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। सीसीआई की ब्लड डोनेशन कमेटी के अध्यक्ष सुरेंद्र गुप्ता और चेयरपर्सन राजवंत सिंह ने बताया कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत इंडस्ट्रियल एरिया फेज वन में स्थित कम्युनिटी सेंटर में लगाए गए शिविर का शुभारंभ महापौर अनूप गुप्ता ने किया। शिविर में कुल 182 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने 24th ब्लड डोनेशन कैंप लगाया अपना यहाँ पे, और जहाँ तक मेरे को पता लगा कि हर ब्लड डोनेशन कैंप में इनके अराउंड 200 डोनर्स होते हैं। और मेरे को लगता है चंडीगढ़ में अब ब्लड डोनेशन कैंप को लेके बहुत अवेयरनेस हो गई है। मैं खुद देख रहा हूँ, मैं पिछले एक हफ्ते में 2 ब्लड डोनेशन कैंप में गया हूँ, आज आया हूँ और कल भी ब्लड डोनेशन कैंप में जाना। तो एक चंडीगढ़ हमेशा ही हर सोशल कॉज में हमेशा सबसे आगे रहता है और लोगों में बड़ी अवेयरनेस है। PGI सेक्टर 32 रोटरी सारे इसको बड़ा सपोर्ट करते हैं, और मैं यही कहूँगा कि और भी जितनी इसमें थोड़ी बहुत अभी अवेयरनेस की ज़रूरत है और हम इसको बढ़ाएंगे ताकि PGI ब्लड हमारे और हॉस्पिटल्स को कोई भी ब्लड की कमी ना हो। ये चैम्बर 1992 से है और हम 1997 से ये ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं, जिसमें एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे आके ये नोबल कॉज के लिए आगे आते हैं, और 250 से लेके 300 तक डोनर्स हर साल होता है। हम ऑनर करते हैं साथ में सब डोनर्स को। ये कोलैबोरेशन इन कोलैबोरेशन विद PGI ब्लड बैंक सोसाइटी है, बड़ी सपोर्ट है उनकी, सालों साल हमारे साथ रही है। साथ के साथ हम बीच में कोई ना कोई कैंप लगा देते हैं, टेस्टिंग मेडिकल कैंप्स, आई टेस्टिंग लगाया था, वैसे चेकअप करने के लिए हार्ट एलिमेंट्स के लिए भी साथ में लगाया था। PGI एडवांस आई सेंटर की ओर से ग्लूकोमा मनाया जा रहा है, जिसके तहत 12 से 18 मार्च तक कई तरह की एक्टिविटियां करवाई जा रही हैं। तो वहीं थिएटर आर्ट्स के कलाकारों ने सुखना झील पर ग्लूकोमा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राजीव मेहता द्वारा लिखित और निर्देशित उनके नाटक एक कदम उजाले की ओर का मंचन किया। तो वहीं रॉक गार्डन में सुबह 7:30 बजे दुनिया उजली है और अपनी नजर बचाओ के नारे के साथ जागरूकता वॉक भी हुई। PGI निदेशक प्रोफेसर विवेक लाल ने गुलाटी और पूर्व मुख्य सचिव की उपस्थिति में ग्लूकोमा वॉक को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। PGI डिप्टी डायरेक्टर कुमार गौरव, FA कुमार अभय के साथ कई लोग मौजूद इस कार्यक्रम में रहे। कार्यक्रम में करीब 200 लोगों ने भाग लिया।
आप लोगों में से नाटक का गाना गाएगा कौन? अरे भाई हमेशा की तरह ये गाएगा और कौन गाएगा? चल भाई ये काली काली सब तुरुरुरु तुरुरुरु क्या रात को ज्यादा होगी थी तेरी ये गाना गा ये सूजी आ गया बड़ा शाहरुख खान नकली डुप्लीकेट मैं गाती हूँ तो पीछे हमारी मैं कहता हूँ तुम्हारी आंखें तो है ही नहीं मछली जैसी इतनी सी आंखें प्यारी प्यारी थी बोलो तो प्यारी प्यारी आंखें है तुम्हारी। अच्छा भाई ऐसा करो गाना बजाना छोड़ो आज कोई शेरो शायरी हो जाए शेरो शायरी हो जाए चलो चलो भाई शेरो शायरी हो जाए हो जाए। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगे बान है आंखें ही मिलाती है जमाने में दिलों को आंखें ही मिलाती है जमाने में दिलों को अनजान है हम तुम गर अनजान है आंखें। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान है आंखें। हमारा आज का नाटक आंखों पर आधारित है तो पेश करते हैं नाटक एक कदम उजाले की ओर। जरा सोचिए कि अगर इंसान के पास आंखें ना हो तो उसका जीवन कैसा हो। इसी आंखों पर आधारित है हमारा आज का नाटक एक कदम उजाले की ओर। मुझे मालूम है जानू कि तुम्हें शाम होने से पहले घर पहुंचना होता है लेकिन तुम्हें आज मुझे बताना ही होगा कि तुम हमेशा शाम होने से पहले घर क्यों चली जाती हो। राहुल मुझे डर है कि अगर मैं तुम्हें अपनी मजबूरी बताऊंगी तो तुम मुझे छोड़ दोगे। जानू ये तुमने सोच भी कैसे लिया? मेरा बस चले तो अपना दिल चीर के दिखा दूं कि उसमें तुम्हारा नाम लिखा हुआ है सुमन ब्रैकेट में जानू। अच्छा राहुल अगर तुम मुझे इतना ही प्यार करते हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि जैसे जैसे शाम होती है तो मुझे अपनी आंखों से धुंधला धुंधला दिखाई देता है और जैसे ही रात हो जाती है तो मुझे अपनी आंखों से पूरा ही दिखाई देना बंद हो जाता है। यानी जब शाम होती है तो तुम्हें धुंधला धुंधला दिखाई देता है। हाँ। और जब अंधेरा हो जाता है तो तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। हाँ राहुल क्या कह दिया तुमने सुमन। लेकिन राहुल तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? करता हूँ। और प्यार तो अंधा होता है ना? प्यार अंधा नहीं होता प्यार अंधी होती है। राहुल तुम ठंडे ठंडे यहाँ से निकल जाओ अपने घर की तरफ। लेकिन राहुल तुमने मुझे बोला कि तुम मुझे घर छोड़ दोगे। अरे मैं पगली मैंने छोड़ दिया कारण और इस परिवार वालों की छोटी सी गलती के कारण इस सुंदर सी प्रेम कहानी का इतना दर्दनाक अंत हुआ। इसीलिए जब भी आपको आंखों की छोटी सी भी ट्रबल हो या छोटी सी भी बीमारी हो तो कृपा करके कोई देसी वैसी राय ना करिए और ना ही कभी किसी केमिस्ट के पास जाइए। हमेशा अच्छे डॉक्टर या पीजीआई में जाइए ताकि आपकी आंखों का इलाज सही समय पर हो सके। वीक के उपलक्ष्य में ग्लोकामा वॉक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इसका मकसद लोगों में काले मोतिया यानी कि ग्लोकामा से संबंधित जानकारी लोगों को देना है। काला मोतिया एक आंखों की ऐसी बीमारी है जिससे जो आंखों की नज़र है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और जब तक इसका आभास होता है मरीज को कि काला मोतिया है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो इसलिए क्योंकि इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं। जब ये शुरू होता है तो इसमें कोई लक्षण नहीं होते, ये चुपके से आ जाता है और इसीलिए इसको साइलेंट थीफ ऑफ साइट भी कहा गया है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसके बारे में लोगों में जागरूकता हो, थोड़ा पता हो ताकि इसको टाइम समय रहते इसको पता चल सके और इसका इलाज हो सके। जैसा कि मैंने कहा इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं तो इसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आँखों का
नियमित रूप से उसका चेकअप होता रहे, जिससे इसका पता चल जाए, जब ये बीमारी आए तो उसका पता चल जाए और उसको इलाज हो सके। किन लोगों को ये होता है? काला मोतिया अक्सर ये देखा गया है कि किसी को भी हो सकता है, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि 40 और 45 साल की उम्र में ये शुरू होता है और उसके बाद इसका जो प्रकोप है वो बढ़ता जाता है। तो अगर आप मान के चलें कि 40 साल की उम्र में 100 में से अगर देखेंगे तो 3 लोगों को ये बीमारी रहती है, और जो ज़्यादातर अनडिटेक्टेड होती है, 90% लोगों को पता नहीं होता कि उनको काला मोतिया है, और वो सारे के सारे जो 90% लोग हैं जिनको काला मोतिया की शिकायत है, उनकी विजन को रिस्क है, उनकी आई साइट को रिस्क है, लेकिन उस रिस्क का, अंधेपन का रिस्क है, लेकिन वो उनको पता नहीं चलता। अगर आप बात करें थोड़ा बड़ी उम्र की, 70 और 80 साल के बीच की, तो उसमें इसका जो प्रकोप है वो 100 में से कम 8 या 10 लोगों को होगा। तो कहने का मतलब है कि उम्र के साथ साथ इसका जो प्रकोप है वो बढ़ता जाता है। और ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो काला मोतिया कई बार फैमिलीज़ में भी होता है, कि अगर किसी फैमिली मेम्बर्स को काला मोतिया है तो उनके जो भाई बहन हैं या जो माता पिता है, अगर किसी को काला मोतिया है तो उसमें भी इसका होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए इन लोगों को भी थोड़ा जागरूक रहने की ज़रूरत है। अपने आप को फिट रखने के लिए और चंडीगढ़ के लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन सेशंस आयोजित करवाए जा रहे हैं, जिसमें लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन ही वर्कआउट की टिप्स से रूबरू करवाया जाता है और वेट मैनेजमेंट और डाइट के बारे में भी जानकारी दी जाती है। इसके साथ ही इस प्रोग्राम की खास बात यह है कि लोगों को इस कार्यक्रम से स्ट्रेस फ्री रहने के बारे में भी टिप्स दी जाती है। स्ट्रेच एज मच एज यू कैन, शोल्डर्स नहीं ऊपर आने चाहिए, शोल्डर्स जहां है वहीं रहने चाहिए, बस आपकी आर्म्स स्ट्रेच होएंगे, आपकी बैक स्ट्रेच होएगी, एंड यू विल कीप इनहेलिंग डीपली। नाउ यू कैन रेज ऑन योर टोज, स्ट्रेच जितना ज्यादा स्ट्रेच हो सकता है अपनी बैक को स्ट्रेच करना है। डाउन, टच योर टोज, नियर योर टोज, जहां तक टच हो पा रहा है पैर को टच करना है। अगर हाथ नीचे तक नहीं जा रहा है कोई बात नहीं, जितना नीचे जा सकता है मैक्सिमम जाना है। ट्राई टू स्ट्रेच योर बैक।